हेलो एवरी वन वेलकम टू दीडियो इन लास्ट वीडियो अबाउटनल इन दिसन वॉट इज लॉजिकल ऑपरेटर एंड हाउ इट इज यूज इन आवर प्रोग्राम्स सो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में कुछ जैसा कि आपने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली दो क्वान्टिटी को कम्पेयर करने के लिए यूज किया जाता है ना और जो एक रिलेशन कहलाता जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को जस्ट वन मिनट सपोज uh, हम ऐसा लिखते हैं ए लेस देन बी या बी लेस देन सी सो बेसिकली यहाँ पे एक एक क्वांटिटी है और बी क्वांटिटी है उसके बीच में हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना होता है तो हम रिल ऑपरेटर यूज करते हैं और इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में होता है ट्रू या फॉल्स में होता है ट्रू का मतलब यहाँ पे वन और फॉल्स का मतलब क्या होता है जीरो सो सो इफ इफ यू 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 विल 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 कंपेयर कंपेयर ए एंड एंड बी बी गेट गेट सी नो लाइक दिस मतलब यदि आप ट्रू होगा तो रिलेशन वैल्यू क्या होगा one होगा होगा फॉल्स तो जीरो होगा जैसा कि आपने रिलेशनल ऑपरेटर में पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर का ही ये क्या है एक एडवांस वर्जन है लॉजिकल ऑपरेटर जब हम मल्टीपल रिलेशन को क्या करना चाहते हैं कंपेयर करना चाहते हैं एट द सेम टाइम तब हम रिलेशन लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं सो so, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर में एक रिलेशन होता है और जिसमें हम दो क्वांटिटीज होते हैं जिसको हम कंपेयर करते हैं बट लॉजिकल ऑपरेटर में दो या दो से अधिक जब भी हमारे पास रिलेशनल ऑपरे ऑपरेशन होंगे और उन्हें हमें कंपेयर करना होगा या उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना होगा तो हम क्या यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं तो so, यहाँ पे तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एक लॉजिकल एंड होता है लॉजिकल और होता है लॉजिकल नॉट होता है बच्चों आपने पढ़ा होगा आ,

और ये भी मान लेते हैं एक रिलेशन है हमारे पास ठीक है ये भी हमारे पास एक रिलेशन है अब क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई वैल्यू है five, B six, और मैं लिखता हूं सपोज करते हैं टेन ऐसा हमारे पास वैल्यू और एक ये हमारे पास एक्सप्रेशन है तो जैसे कि ये एक रिलेशन वन हो गया रिलेशन ये रिलेशन टू हो गया और इसके बीच में हमें इसके बीच में, में हमें रिलेशन स्टेब्लिस करना है अब देखिए रिलेशन वन को देखेंगे पहले हम रिलेशन वन क्या है ए ग्रेटर देन बी अब आप देख सकते हैं ए का वैल्यू फाइव है बी का वैल्यू सिक्स है इसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों फॉल्स हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा और यहां आप देख सकते हैं x का वैल्यू 10 है और कंपेयर कर रहे हैं हम 10 से तो यहाँ पे इक्वल टू है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा और चूंकि हम यहाँ पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और एंड में आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब दोनों ही इनपुट उसका क्या होता है हाई होगा तब भी रिजल्ट हाई होता है यानी दोनों वन होगा तभी रिजल्ट उसका वन होगा अदरवाइज फॉल्स होता है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक फॉल्स है एक ट्रू है तो इसका ओवरऑल रिजल्ट भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा ठीक है यही मान लीजिए यहां पे क्या होता और लॉजिकल और होता तो क्या होता किसी एक भी यदि कोई एक भी इनपुट इसका यदि हाई होता तो क्या होता रिजल्ट हाई होता यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशन वन तो फॉल्स है रिलेशन टू क्या है आपका ट्रू है तो चूंकि हम और ऑपरेशन यूज कर रहे हैं लॉजिकल और यूज कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता ट्रू हो जाता सो so बेसिकली इस तरह से आपका लॉजिकल ऑपरेटर बच्चों काम करता है ठीक है अब देखिए यहाँ पे जस्ट वन मिनट सो बेसिकली मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूं ओके सो एज यू कैन सी किस तरह से काम करता है जैसे कि आपने पढ़ा होगा बेसिकली लॉजिक गेट्स में रिलेशन फॉल्स फॉल्स मतलब क्या होता है बच्चों यहां मैंने पहले नोट डाउन कर दिया कि फॉल्स का मतलब जीरो हम मानेंगे और ट्रू का मतलब वन सो बेसिकली यहां जो रिजल्ट मिलता है हमें वन और जीरो के फॉर्म में मिलता है तो ट्रू मतलब वन फॉल्स मतलब जीरो तो आप ऑलरेडी जानते हैं एंड ऑपरेशन में यदि रिलेशन वन रिलेशन टू दोनों फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स होगा यदि रिलेशन वन फॉल्स होता है और रिलेशन टू ट्रू होगा तो भी रिजल्ट एंड का क्या होगा फॉल्स होगा और यदि रिलेशन ट्रू होगा रिजल्ट फॉल्स होगा तो भी फॉल्स होगा और ओनली वन केस होता है जब दोनों सारे के सारे रिलेशन क्या होंगे ट्रू होंगे तभी लॉजिकल एंड का भी क्या होता है ट्रू होता है और मैं हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई एक भी इनपुट या एक भी रिलेशन यदि क्या हो जाता है ट्रू हो जाएगा तो उसका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होता है तो देख सकते हैं दोनों रिलेशन अभी फॉल्स है तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा फॉल्स होगा और दोनों में से कोई एक भी यहां भी ट्रू है आप देख सकते हैं यहाँ भी ट्रू है तो ये तीनों में केस में क्या होगा ट्रू होगा क्योंकि कम से कम एक भी रिलेशन क्या हो जाता है ट्रू हो जाता है तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा बच्चों ट्रू हो जाएगा आपको समझने के लिए बच्चों यदि आपके नॉलेज में लॉजिकल एंड लॉजिकल और का यदि है गेट का कंसेप्ट है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं नेक्स्ट बच्चों लॉजिकल की बात करते हैं तो लॉजिकल नॉट में क्या होता है यदि आपने एक्सप्रेशन में लिखा है सपोज ए लेस देन या आपने ऐसा लिखा है सपोज एक्वल्स टू एक्वल्स टू फाइव बी इक्स टू सिक्स और, और यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं और मैं ऐसा लिखता हूँ ए लेसाइव तो ये लॉजिकल नॉट होता है और इसको कैसे यूज करेंगे अब आप देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना है या ए लेस देन बी में लिखता हूँ यहाँ पे तो ए का वैल्यू आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या है फाइव है बी का वैल्यू सिक्स है तो फाइव और सिक्स है इसका वैल्यू और ये रिलेशन क्या है ट्रू है और जब ये रिलेशन ट्रू है और इस पे हमने क्या अप्लाई किया बेसिकली इस है हमने अप्लाई किया है

बट यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि यदि पहला ही स्टेटमेंट यदि पहला ही रिलेशन ट्रू हो जाता है तो बाकी रिलेशन को वो चेक नहीं करता है कंट्रोल वैसे ही मैं एंड एंड की की बात करू, की बात करूं करूं लॉजिकल तो वहां पे कंडीशन आपने पढ़ा होगा कि सारे के सारे ट्रू होंगे तभी ओवरऑल रिजल्ट भी ट्रू होगा बट यहाँ पे हैक है बच्चों ध्यान रखने वाली बात यही है कि यदि पहला ही यदि रिलेशन फॉल्स हो जाता है तो फिर कंट्रोल बाकी को चेक नहीं करता है ठीक है बच्चों तो इस वीडियो के थ्रू बच्चों आपने समझा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और लॉजिकल और रिलेशन ऑपरेटर के से हमने कंपेयर भी किया है इसको कब यूज करते हैं और चीजों को आपने समझा तो बच्चों अपकमिंग वीडियो में आप इसके प्रैक्टिकल्स को देखोगे और देन उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करेंगे जो कि बिटवाइज ऑपरेटर है तो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद और हम अगले वीडियो में मिलते हैं फिर बाकी कंसेप्ट के साथ